सर मैंने ड्रैगन एवरेज करते करते 27,000 ले चुका हूँ, और 2 साल के लिए मैंने ये सेल लिया हुआ है सर, और एवरेज करते करते सर मेरे को 39 रुपीज़ में ये शेयर पड़ा है सर, और इसके लिए फीचर क्या है सर? भैया, ये 27,000 शेयर कब से खरीद रहे हैं आप? कितना कहाँ से एवरेज करते चले आ रहे हैं? सर मैं इसमें कंफ्यूज हो चुका हूँ सर, करीबन 1 साल से तो ये मैं एवरेज करते करते 27,000 ले चुका हूँ सर। पहली बार खरीदा था कितना भाव था? उस टाइम पे 46 था। 46 रुपये पहली बार खरीदा, और उसके बाद लगातार आपने खरीद 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 के एवरेज किया, भाव 39 तक ही आप ला पाए और बिल्कुल सर, माल कौन 27,000 इकट्ठा हो गया। सरवेन लेना चाहता हूँ? जी, सरवेन जी बताइए, अब क्या करा जाए? देखिए 2017-18 के लेवल्स के ऊपर जो डिसाइसिवली ब्रेकआउट जो स्टॉक्स कर चुके हैं उसमें डेफिनेटली ट्राइडेंट है। बट क्योंकि इतना बढ़िया रिटर्न आपको ऑलरेडी पीछे से इतना बढ़िया रिटर्न इसने दिया कोविड के बाद से, 3 रुपए वाली चीज जब 66 रुपए होती है वापस, एक 20x रिटर्न तकरीबन तकरीबन यहाँ पे मोटा मोटी हो गया, 22 टाइम्स रिटर्न आपको यहाँ मिल गया। तो आप इतने बड़े हुए स्टॉक में आई थिंक बहुत जल्दी चढ़े और फिर आप बहुत जल्दी एवरेज कर रहे हैं। मिड कैप है, लिक्विडिटी कभी कभी ड्राई हो जाती है, तो ये सब चीजों को थोड़ा पेशेंस से और टाइम लेके एवरेज आपको करना है। तो आपने आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत जल्दी एवरेज किया है। देखिए अब यहाँ पे आप इतनी बड़ी क्वांटिटी ले चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपका कन्विक्शन है ट्रेड में तो टाइम दीजिए इसको, करेक्शन तो उसमें आ चुके हैं और नीचे में थोड़ा पेन झेलने के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। तो थॉट ये है कि अगर ये एक अच्छा एक बेसिक इसका रिट्रेसमेंट मैं पकड़ूं, आई थिंक जो इसको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अच्छे सपोर्ट्स आ रहे हैं वो तकरीबन आ रहे हैं आपके, मेरे हिसाब से तकरीबन आ रहे हैं, वो एरिया में बता देता हूँ आपको, वो आ रहे हैं तकरीबन 28-29 रुपए के आसपास, इसको बहुत अच्छे सपोर्ट्स आ रहे हैं। तो आई थिंक जब आप इतना होल्ड कर ले गए हैं और आपका अगर इसमें ध्यान अच्छा है और आप इसको 1-2 साल प्लस में खड़े रह सकते हैं, तो मैं यही आपको बताऊंगा कि टेक्निकली मिड कैप्स के अच्छे ब्रेकआउट स्टॉक्स में है। अभी कितना आगे चल के क्या कर पाएगा वो हम डिसाइड करेंगे, बट जब तक 28-40 के ऊपर टिका हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे तब तक आई थिंक आप ट्रेड में बने रहे हैं, और बहुत ज्यादा एग्रेसिवली और एवरेज ना करें जब तक कोई रिवर्सल के संकेत नहीं बन जाते हैं। जो है आई थिंक उसमें होल्ड रखें 28-40 का स्टॉप लॉस, और 60 रुपए के भाव इसके आएंगे लेकिन 2-2.5 साल लगेगा। 28-40 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, और चूंकि अब मत खरीदिएगा, बहुत ज़्यादा आपने ऑलरेडी ले रखा है, तो अब और ज़्यादा एवरेज करके क्वांटिटी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है।